जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। आई होप यू आर ऑल वेल एंड आई एम वेरी फाइन टू। दोस्तों आज इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों का साथ शेयर करूंगा एक 500 तलाक जो जींस है उसका कुछ पहचान रहता है, कैसा उसको पहचान है, और एक 1000 का अंदर जो जींस होता है उसको एक पहचान रहता है। ये पहचान क्या है, मतलब क्या चीज को देख के हम समझ सकता है ये 500 का रेंज का जींस पैंट है, और क्या क्या पहचान को हम देखेगा, क्या क्या ट्रिक्स है जिसको हम देखेगा तो हम समझ जाएगा ये 1000 तक रेंज हो सकता है। इसमें कोई ब्रांड वैल्यू नहीं इंक्लूड करूंगा, इसमें खाली फैब्रिक सिलाई और जो सिलाई का जो कैटेगरी है, मटेरियल वगैरह जो जो लगाया उसको देख के हम अंदाजा लगाएगा ये जींस जो है ये 1000 तक हो सकता है, और ये जो जींस है दूसरा और एक ये जो जींस है ये 500 तक हो सकता है। तो कुछ ट्रिप्स है वो इस वीडियो को माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहला जो मेरा चैनल पे पहला बार आया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है उसके लिए थैंक यू। है गाइस, वेलकम बैक टू एफएम फैशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमर फारूक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएम फैशन एटीसी नॉलेज। दोस्तों जींस पैंट के बारे में मैं छोटा छोटा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं। आपको जींस पैंट के बारे में छोटा छोटा नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेटिंग कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपका सामने स्क्रीन पे दो पीस है, और ये है थोड़ा लो बजट वाला पीस है और ये है थोड़ा हैवी जींस है। तो दोनों में जो फ़र्क है वो मैं आप इस वीडियो को माध्यम से आपको शेयर करूंगा, और दोनों पीस में जो अंतर है वो अंतर रहेगा उल्टा साइड में। सीधा बाजू में आपको फील करना मांगता है इसका कपड़े में, और इसका कपड़े में फैब्रिक में हाथ डाल के आप देखो तो दोनों का जो प्राइस है, प्राइस में डिफरेंस है। ये हमको मिला 1000 रुपीस में और ये मेरे को मिला 650 रुपया में। तो ये दोनों एकदम अच्छा जींस है, दोनों ही अच्छा जींस है। ऐसा नहीं है ये 200-250 वाला है, 200-250 वाला तो एकदम उसका फैब्रिक एकदम खराब रहता है। तो ये दोनों चलने लायक है। तो दोनों में अंतर क्या है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अंतर जो होता है वो उल्टा बाजू में होता है। अभी इसका जो उल्टा बाजू मैं उल्टा करके दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका जो पॉकेटिंग है ये थोड़ा लो क्वालिटी का और प्लेन पॉकेटिंग है। ठीक है, इसका साइज लेवल देखो, इसका साइज लेवल इस टाइप का रहता है, और इसका जो चेन है, चेन भी आप ऐसा खींच के फील कर सकते हैं। जो लो बजट वाला रहता है उसमें चेन भी थोड़ा हल्का वाला रहता है, बटन वगैरह जो भी है थोड़ा हल्का रहता है। और आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग ऐसा रहेगा, और इसका बेल्ट में भी जो आर्क है वो ऐसा रहेगा। और सबसे मेन पॉइंट जो है, जो कम रेट वाला जींस होता है उसका वजन थोड़ा कम रहता है। वजन आपको कम से कम 500 ग्राम एक 28 से 36 का जो पीस होता है, जो मेंस का पीस होता है उसका 450 से लेके 500-600 ग्राम तक रहेगा। तो आप समझ लीजिए उसमें प्योर कॉटन है, 100% कॉटन है, और जिसमें पॉली मिक्स होएगा वो जो पैंट है उसका वजन कम रहेगा। तो इसमें वजन कम है, और इसका जो उल्टा बाजू का जो फैब्रिक है ना ये पॉली मिक्स है। ठीक है, तो ये है पहचानने का रीज़न है। और अभी मैं ये जो पीस है ये पीस मैं दिखाऊंगा उल्टा करके। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका उल्टा बाजू कैसा है, इसका प्रिंट का लुक कैसा है, इसका ये जो पाइपिंग भी अलग से लगा हुआ है इस ये पीस में नहीं है। ठीक है, इसका प्रिंट देखो, उसका प्रिंट देखो, दोनों में अंतर है। वो थोड़ा गुड लुकिंग दिख रहा है, ये थोड़ा लोकल दिख रहा है। इसका पॉकेटिंग देखो कैसा है, ये थोड़ा हल्का है, ऐसा हाथ लगाएगा तो आप फील कर सकते हैं। तो ये सस्ता वाला जींस में हार मटेरियल सस्ता ही लगता है, और जो थोड़ा महंगा जींस होता है उसका पॉकेटिंग देखो, ये भारी वाला पॉकेटिंग है। इसका जो सिलाई है, सिलाई भी थोड़ा अलग टाइप का सिलाई है, थोड़ा फैंसी सिलाई है। ये जो जाती चिपकाने वाला अलग से इंपोर्टेड मशीन होता है उस मशीन में, इसमें जो फ्लाई है इसका फ्लाई भी देखो कितना फिनिशिंग से लगा हुआ है। इसका बेल्ट में पाइपिंग है, इसका बटन भी थोड़ा भारी वाला लगेला है। इसका जो साइज लेवल है, साइज लेवल में भी ब्रांडिंग का
जो ब्रांड होता है, ब्रांडिंग का नाम रहता है साइज का, उल्टा साइड में जो पैंट को कैसा केयर करना चाहिए, यानी केयर लेवल भी इसमें बने रहता है। तो ये सब चीज़ देख के मालूम पड़ता है ये थोड़ा महंगा वाला जीन्स है और ये थोड़ा सस्ता वाला जीन्स है। तो दोस्तों जो पहचानने का जो रास्ता है, जो ट्रिक्स है, वो मैंने बता दिया। अभी ये दोनों पीस, ये 650-650 का है, ये 1900 का है, तो ऐसा ही फ़र्क देख के आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए भाई ये जीन्स कितने का होना चाहिए। हालांकि ऐसा जो महंगा जीन्स होता है उसमें ये जो पॉकेटिंग है ये योक पे भी लगा हुआ होता है, लेकिन ये पीस में हालांकि नहीं है। और एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इसका जो पॉकेट, जो बैक पॉकेट है, बैक पॉकेट का अंदर एक चिंदी का अस्तर लगा हुआ रहता है। ये महंगा जीन्स में होता है, सस्ता जीन्स में नहीं होता है। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बैक पॉकेट है, बैक पॉकेट का उल्टा बाजू में देखो ये एक अलग से कपड़ा डाला हुआ है। अभी ये जो सस्ता वाला जीन्स है किधर, ये सस्ता वाला जीन्स है, इसका उल्टा बाजू में कपड़ा लगेला नहीं है। इसका उल्टा बाजू में वही डेनिम का कपड़ा है, अलग से एक एक्स्ट्रा कपड़ा, पतला जो पॉकेटिंग होता है ना, वो कपड़ा इसमें नहीं है और इसमें है। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक्स को फॉलो करके आप एक अच्छा जीन्स ले सकते हैं बाजार से। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जीन्स पैंट के बारे में ऐसा ही छोटा नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे सेटिंग कर लीजिए। सबसे लास्ट सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना और अपने को भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।